अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी ओके। आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 4 है रिगार्डिंग प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस लेक्चर में मैं आपको 2 साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वर्ड है थ्रू, ये टी और एच है। इसी तरह एक वर्ड है द, ये भी टी और एच है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ये थ, और इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं द। इसी तरह बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें टी और एच का कॉम्बिनेशन आता है, सम टाइम हम इसको थ और सम टाइम हम इसको द प्रोनाउंस करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर थ आना है और कहां पर द आना है, तो आइए इसका मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, जो कि टू कॉन्सोनेंट्स हैं। ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनमें से एक कॉन्सोनेंट्स है ये एक सिंबल है, एक साउंड है ये, और एक कॉन्सोनेंट है ये, इसका मतलब है थ, इसका मतलब है द। अगर जो मैं आपको कहता हूं कि जेर जबरे होती हैं, असल में वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, समझाने के लिए मैं उनको जेर जबरे कहता हूं। तो अगर टी एच के नीचे ये वाला साउंड है तो इसका मतलब है आप टी एच को थ प्रोनाउंस करेंगे। अगर टी एच के नीचे ये वाला साउंड है ये, तो फिर आप उसको द प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, ये इसको मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए, ये और ये द है। अच्छा, इसको थ और इसको द, ये हमारे पाकिस्तानी पीपल इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स वो इसको थ और द नहीं पढ़ते, वो इसको पढ़ते हैं थ, जिस तरह थैंक्स में वो कहते हैं थैंक्स, वो कहते हैं थैंक यू, थैंक्स। अच्छा, इसको वो प्रोनाउंस करते हैं द, वो दैट को पढ़ते हैं दैट, वो दिस को पढ़ते हैं दिस। लेकिन आमतौर पे जो पाकिस्तानी अफराद हैं उनके लिए मुश्किल होता है, हाँ जो अरबी, जिन्होंने अरबी तजवीद को स्टडी किया हुआ है, वो इनके साउंड्स आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स नहीं है, ये थ है, और ये ज नहीं है, ये र है। तो आइए इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है थिंक, तो ये टी एच को हम क्या कर रहे हैं थ, तो टी एच के नीचे लिखा होगा ये वाला साउंड ये। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम पढ़ते हैं दैट, हम इसको द पढ़ते हैं द, हम इसको द पढ़ते हैं ये वाला, तो इसके नीचे लिखा होगा, इसके नीचे लिखा होगा ये। तो ये टू साउंड्स अगर आप याद रखेंगे थ द, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स थ और र। अब ये आपकी मर्जी है, आमतौर पे पाकिस्तान में चूंकि यही पढ़े जाते हैं तो डेफिनेटली आप भी इन्हीं को प्रोनाउंस करेंगे थ और द। तो जब भी टी एच का कॉम्बिनेशन आ जाए किसी वर्ड में, आप गूगल करें, अगर टी एच के नीचे ये लिखा हुआ है तो वो थ होगा, और अगर टी एच के नीचे ये वाला साउंड है तो वो द होगा। अच्छा, इसी तरह आइए मैं आपको टू साउंड्स और बता देता हूं रिगार्डिंग कॉन्सोनेंट्स। एक साउंड है ये और एक है ये। अच्छा, ये है य और ये भी य है, लेकिन इसके ऊपर तशदीद है, ये छोटी ये है, ये भी छोटी ये है। अच्छा, ये है य और ये है ज, ज और ये है य, य। अच्छा, इसका मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, एक वर्ड होता है ये अक्सर हम यूज करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं ईयर, हम समझते हैं शायद वाई साइलेंट है, नॉट, वाई साइलेंट नहीं होता। Y के नीचे अगर आप देखें तो लिखा होगा ये, तो फिर ये होगा ईयर, ईयर,
45 years नहीं होता है, years, ये प्रोनाउंस होता है। और ये या है स्लाइट सी, हल्की सी या, विदाउट तशदीद, ये नहीं करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम इसको ऐसे मैयर पढ़ते हैं, लेकिन ये है मेजर। यहां एस का साउंड ये है ज, ना ही श है और ना ही स है, यहां ये मेजर, या है या के ऊपर तशदीद है, या है और या के ऊपर तशदीद है ज करके। यही एग्जांपल प्लेजर में जो एस है उसके नीचे भी ये होगा, अच्छा ट्रेजर उसमें भी ये होगा। तो ये दोनों को आपस में मिलाना नहीं है, ये य और ये ज। तो ये फोर कॉन्सोनेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।